इस युग में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। हम अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो काफी मशहूर तो होती हैं, लेकिन डरावनी भी होती हैं। आज इन्हीं डरावनी जगहों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राजस्थान के कोटा शहर में ब्रिजराज भवन पैलेस नामक 178 साल पुराना होटल है। इसे भूतों का घर कहा जाता है। इसे 1980 के दशक में हेरिटेज होटल में बदल दिया गया। इस स्थान पर मेजर बर्टन का भूत रहता है, जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। कहा जाता है कि मेजर बर्टन 1857 में हुए विद्रोह में उन्हें भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था और मेजर को इसी होटल के सेंट्रल हॉल में मारा गया था। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला डरावना होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि इस किले में किसी की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। इस किले के बाहर साफ लिखा है कि यहाँ शाम के बाद ना ठहरें। कहते हैं कि यहाँ एक रानी रहा करती थी, जिस पर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या की। वो रानी को हासिल करना चाहता था, लेकिन रानी ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। बाद में मरते समय तांत्रिक ने इस स्थान को श्राप दे दिया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी को भी भूतों का घर कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ कई सैनिकों के भूत रहते हैं। ये फिल्म सिटी उसी भूमि पर बनी है जहाँ निजामों के समय युद्ध हुआ करता था। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये स्थान बेहद लंबे समय से ही डरावना रहा है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट के पास का इलाका डरावना है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक महिला का भूत रहता है, जो कि सफेद रंग के कपड़ों में दिखाई देती है। इस महिला का भूत रास्ते से जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है, फिर अचानक ही गायब हो जाता है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़ा किले को पेशवा वंश के शासकों ने बनवाया था। यहाँ सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। यहाँ शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी एक राजकुमार की उसके करीबी रिश्तेदारों के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ऐसा माना जाता है कि उसके चीखने की आवाजें आज भी यहाँ सुनाई देती हैं। इसी कारण लोग सूरज ढलने के बाद यहाँ आने से डरते हैं। अब हम बात करेंगे हैदराबाद के गोलकुंडा किले की। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस किले में रानी तारामती की आत्मा रहती है, जिसे मरने के बाद पति के साथ किले में दफन कर दिया गया था। लोगों का कहना है कि यहाँ रानी के चलने की आवाज और रात में डांस करने की आवाज आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।